हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी IQ पर। आज है 27 सितंबर 2021 और हम आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियार से मानवता के लिए खतरे के बारे में बताने और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एकलव्य नामक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है? CBSE द्वारा IIT गांधीनगर के साथ मिलकर एकलव्य नामक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम कक्षा 6 से 12वीं तक के विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित है, जिसमें इनसे संबंधित प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि छात्रों की वैचारिक समझ को बढ़ाने में सहायक होंगे। बात करें CBSE के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और CBSE के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन गेम की लत के शिकार बच्चों को सुधारने हेतु डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। बात करें केरल राज्य के बारे में, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर भास्कर शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड इन्हें इनके द्वारा होम्योपैथिक उपचार को बढ़ावा देने व इसकी उन्नति में किए गए कार्यों हेतु दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020-21 पुरस्कार प्रदान किया गया है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक BS येदियुरप्पा को कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020-21 पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें इनके द्वारा अपने राज्य वह विधान क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रदान किया गया है। बात करें कर्नाटक राज्य के बारे में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सैफ अली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को की गई थी जिसका मुख्यालय कनाडा में स्थित है। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं सल्वातोर सियाचितानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह भारत के पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक की लेखिका है और इस पुस्तक में भारत व चीन के मध्य विवाद के कारण हिमालय के बारे में जानकारी प्रदान की गई है कि किस तरह
हिमालय की वजह से इन दोनों देशों के मध्य संबंधों पर खासा बुरा असर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागा कुकुम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागालैंड राज्य के नागा कुकुम्बर यानी खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और यह जीआई टैग भारत में किसी खास फसल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है। बात करें नागालैंड राज्य के बारे में, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और नागालैंड हाई कोर्ट को गुवाहाटी हाई कोर्ट कहा जाता है, जो कि असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन चार राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसके मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर 2021 को विश्व नदी दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य नदियों, तालाबों इत्यादि जल संसाधनों की सुरक्षा व देखभाल हेतु लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष शमन योजना की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष शमन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सड़कों किनारे झाड़ लगाए जाएंगे ताकि जानवर सड़कों पर न आ सके व मानव व वन्य जीवों के मध्य संघर्ष को रोका जा सके। बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ग्रीष्म राजधानी है गैरसैंण, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय सेना द्वारा भारत पाक युद्ध 1971 में विजय के उपलक्ष्य में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कटक जिले में राज्य के पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य राज्य में उपस्थित बेहतरीन किस्म के रेशम धागे को इकट्ठा कर कच्चा माल तैयार करना है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। बात करें ओडिशा राज्य के बारे में, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।